गगहा ईट भट्टे पर डकैती व छेड़खानी के 25,000 रुपए के फरार आरोपित मऊ के दक्षिण टोला निवासी छोटक को गगहा पुलिस ने गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे से एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में फरार बदमाशों की पहचान बलिया के छीवी खरौनी निवासी वीरेंद्र व खड़हा तार निवासी टैंगर के रूप में हुई। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किया। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवंबर 2020 की रात गगहा के सकरी गांव के ईंट भट्टे पर डकैती व छेड़खानी की घटना हुई थी। घटना के बाद बलिया गोरखपुर व देवरिया पुलिस ने बलिया के विशुन देव सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। विशुन देव अभी बलिया जेल में बंद है। इस केस में छोटक वीरेंद्र व टैंगर फरार थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। गुरुवार की रात गगहा थानेदार राजप्रकाश सिंह अपने हमराहियों के साथ जगदीशपुर भलवान में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ईंट भट्टे पर डकैती के 3 बदमाश बाइक से कोड़ीराम की तरफ किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस ने घेराबंदी कर चवरिया बुजुर्ग गांव के पास उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक से आ रहे 3 बदमाशों को रुकने का इशारा किया। बदमाश गाड़ी लेकर भागने लगे। इसी दौरान बाइक लड़खड़ा गई और पीछे बैठा बदमाश नीचे गिर गया। इस दौरान बाइक पर बैठे 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि पुलिस ने नीचे गिरे बदमाश को पकड़ लिया। उसकी पहचान मूल रूप से मऊ के दक्षिण टोला निवासी छोटक के रूप में हुई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि छोटक ने ही गैंग सरगना विशुनदेव के साथ ईंट भट्टे की रैकी की थी। वह बलिया के किसरुआ गांव में वर्तमान समय में रहता है। पकड़े गए छोटक व फरार हुए वीरेंद्र तथा टैंगर के खिलाफ गगहा थाने में ईंट भट्टे पर डकैती डालने, छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार छोटक व फरार दोनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने व आर्म्स एक्ट की धारा में भी केस दर्ज किया है। साथ ही छोटक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, बीते वर्ष 2020 में थाना गगहा क्षेत्र में भट्टे पर एक डकैती हुई थी, जिसका एक वांछित अभियुक्त जिसपे 25,000 का इनाम था छोटक, आज गगहा पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसे मय असलहे के गिरफ्तार किया गया है और इसके दो साथी जो और इसके साथ थे मोटरसाइकिल, वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। उनकी तलाश की जा रही है, इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, क्या भूमिका रही? ये जो पिछली घटना थी जिसमें भट्टे पर एक डकैती हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्तों में से एक अभियुक्त था जो फरार चल रहा था। हाँ, इस पे बताया मैंने पहले ही कि 25,000 रुपये का इस पे इनाम घोषित किया गया था। तो इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हो पाई? इसकी गिरफ्तारी चवरिया से कौड़ीराम बाईपास रोड पर पुलिया के पास से गगहा पुलिस ने की। अच्छा,